वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वैसे नैब ने अब डॉक्टर फजल चौधरी के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। जी नैब आजकल बहुत मसरूफ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं, ये इनके अकेलों के खिलाफ नहीं, ये हुकूमत के जो सात वुजरा के खिलाफ जो नैब की इंक्वायरी जो है वो खुली है इस वक्त, जिसमें डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के खिलाफ जो तहकीकात करने का हुक्म दिया गया कि डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब के खिलाफ तालीमी इदारों में बदअनवानी और खुर्द बुर्द के इल्जाम हैं, और इसमें जो है इन्होंने चेयरमैन नैब का फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मुबीना बदअनवानी का नोटिस लिया गया था, उसके अगेंस्ट ये किया गया है। जिस तरह आपके सामने है, ये हमारे कौसर साहब जो हैं, इन्होंने उनके हलका NA 49 है गालबन, पिछले दिनों वहां जाकर इन्होंने एक प्रोग्राम भी किया था, वो आपके सामने आज भी थोड़ी सी उसकी छोटी छोटी झलकियां दिखा देते हैं कि इन्होंने जितने प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे अपने इलाके में, रोडें बनाना, पानी देना, बिजली देना, सेवरेज ठीक करना, वो इनके गटर जो है वो उबल रहे थे। अपने इलाके के अंदर ये ना तो पानी दे सके हैं, ना वहां रोडें बनवा सके हैं, बल्कि आपने देखा होगा वहां पर रोडें जो बनवा रहे हैं वहां पर एक बड़ी बड़ी तख्तियां इन्होंने लगाई हुई अपने नाम पर, इफ्तिताह की तख्ती लगा देते हैं, आगे उस रोड बनानी इंतहा का पता ही नहीं होता कि इंतहा क्या है। तो वो सिस्टम इन्होंने किया हुआ था। उसके अलावा जो है ये जितना भी आपके सामने, मेरा ख्याल है को 10-15 दिन हो गए हैं, वो जो औरतें बेचारी टीचर्स जो हैं वो धरना उन्होंने दिया हुआ है, वो अपने बच्चों के भी साथ हैं, और मेरा ख्याल है कि सुबह दोपहर शाम पहले प्रेस क्लब में थी, उसके बाद इनके घर के सामने बैठ गई हैं, वहां से इन्होंने चक्कर दे के उनको भेज दिया है, उनको रेगुलराइज इन्होंने नहीं किया, और उसके बाद मेरा ख्याल है उनकी अभी तक पे भी नहीं दी। अब उनकी पे नहीं दी जा रही तो चीफ जस्टिस साहब ने और चेयरमैन नैब साहब ये सोच रहे हैं कि भाई ये जो पैसा जा रहा है किधर जा रहा है, मुलाजमों को तो आप तनख्वाहें दे नहीं रहे, अच्छा डॉक्टरों को भी नहीं तनख्वाहें दे रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आप देख लें, वो कराची के अंदर डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है बेचारों ने, वहां पर उनको रेगुलराइज भी नहीं किया जा रहा और उनको तनख्वाहें भी नहीं दे रही। उसके बाद आपका फैसलाबाद के अंदर भी यही सिस्टम चल रहा है, लाहौर के अंदर भी आए दिन हड़ताल हो रही होती है। उस दिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ये बलोचिस्तान गए, वहां पर भी यही चक्कर था कि डॉक्टरों ने हड़ताल भाई, डॉक्टरों ने हर तरफ हड़ताल की हुई है, इसलिए की हुई है कि अगले अपना टाइम निकाल कर आते हैं, MBBS किया हुआ होता है, उन्होंने इतने पैसे लगाकर आजकल मेडिकल का इन्होंने, मेरा ख्याल है कि दाखला पहले तो 3-4 लाख रुपए फीस चल रही थी, 20 लाख रुपए फीस थी, चीफ जस्टिस साहब ने वो वापस करवाई है। अब उसके बाद अगर चीफ जस्टिस साहब भी बार बार ना नोटिस लें मुख्तलिफ चीजों का, कि जिसमें दूध की प्राइस उन्होंने बढ़ा दी है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा कर दी है, पानी का हमें मसला बना हुआ, हर तरफ बहरान पानी का पूरे मुल्क के अंदर फैल गया है, अभी गर्मियां आने वाली हैं, तो ये सिलसिला क्या चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में एहतसाब जो है हर एक इंसान का होना चाहिए। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब जो है 5 साल से इन्होंने एक भी तरक्याती काम अपने शहर के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपने हल्के के अंदर इन्होंने बिल्कुल नहीं करवाया, और स्कूलों का तो कभी मैंने इनको देखा नहीं है कि किसी स्कूल में जाकर बच्चों को असनाद ये दे रहे हो या किसी स्कूल की इन्होंने इमारत ठीक करवा ली हो। भाई ये सारे काम जो है वो KPK में होने हैं कि 28,000 स्कूलों को इमरान खान अकेला एक बंदा संभाल कर बैठ गया है, और 1500 स्कूलों की उसने मरम्मत करवाई है, 850 स्कूल उन्होंने नए बनवाए हैं, वहां पर हॉस्पिटल भी नए बने हैं, और जो बूढ़े लोग हैं 60 साल से ऊपर उनकी उम्र है, 25 लाख से 50 लाख उनकी तादाद चल रही है, उन लोगों को वो फ्री में इलाज उनका होना है। इनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल बनाया है तो इमरान खान, यूनिवर्सिटियां बनाया है तो इमरान खान, वर्ल्ड कप जीत के आए हैं तो इमरान खान, अगर बेईमानी से बचे हैं तो इमरान खान, यानी कि हर काम जो अच्छा उस बंदे ने करना है कि बेईमानी उसने कोई नहीं की। जब तक वर्ल्ड कप चलता रहा है एक उस बंदे के ऊपर एक इल्जाम नहीं लगा कि उसने किसी से पैसे लिए, उसने ईमानदारी से वर्ल्ड कप खेला और जीतकर हमारे पास लेकर आया, ईमानदारी से हॉस्पिटल उसने शुरू करवाया, और मेरा ख्याल है कि जो अपनी जितनी भी उसकी इनकम आती थी अभी भी इमरान खान अपनी इनकम में से 60% हॉस्पिटल के ऊपर लगा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दूसरों की जो इनकम है वहीं से उठा के पैसा आपका बाहर फेंका जा रहा है, और अब हम लोग जो इनका कर्जा जो इन्होंने लिया हुआ है तो मेरा ख्याल है $100 अरब के करीब तरीन माशाल्लाह पहुंचने वाला है, उसके बाद पता नहीं पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज होगा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा।
और उसका टैक्स हम अदा कर रहे हैं, हम जो टैक्स अदा कर रहे हैं ये अवाम को इस चीज की समझ आ जानी चाहिए, जितना हम टैक्स अदा कर रहे हैं ये हमारा कर्जा अदा कर रहे हैं, हम लोग लें कर्जा ये और टैक्स हम अदा करें, इससे तो नहीं पता चलेगा। बहरहाल ये कि जो भी साथ वज़रा है इनके साथ उनका देखें क्या केस खुलता है, अब जिसकी बारी आई है उसको तो भुगतना पड़ेगा। अब डॉक्टर साहब अपनी पेश करें ना, जिस तरह ख्वाजा साद रसीफ साहब ने, रफीक साहब ने कहा जी रेलवे में मैंने तो बड़ा प्रॉफिट कमाया और वहां देखा जा रहा है कि वो लॉस हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने भाई वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स आज पेश करने थे, उन्होंने कहा लाओ तो आज पेश नहीं हुए, 12 साल और मांग लें बस ठीक है, 12 साल तक कोई पता नहीं कहने जिंदा रहना कहने नहीं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, 9 माह रह गए सारे चीफ जस्टिस साहब के, उसके बाद पता नहीं क्या हमें देखने को मिलेगा क्या होगा। फिलहाल जो है हमें चीफ जस्टिस साहब के ऊपर एतबार है, चेयरमैन नैब जो है जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें तारिक फजल चौधरी साहब की देखें कारकर्दगी में बिल्कुल एक सवालिया निशान है कि जो आज से कुछ महीने पहले मैंने भी वहां पे एक रोड शो किया, आप खुद देख कर आए हैं वहां जाकर, और वहां पे इतने बुरे हालात हैं, लिटरली आप वहां पे जाके देखते हैं तो आपको यूं लगता है कि जैसे आप साउथ पंजाब के भी किसी बिल्कुल दूर दराज के किसी डिस्ट्रिक्ट, अभी ये स्क्रीन पे चल रहे हैं लोग देख रहे होंगे, खुद देख रहे होंगे स्क्रीन पे चल रहे हैं सारे, आप लोग जब जाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि यार ये इस्लामाबाद नहीं है, ये तो हम किसी बहुत ही पसमानदा किस्म के इलाके में आ गए, कोई एक हॉस्पिटल नहीं है NF-49 के अंदर, त्रामड़ी चौक में इन्होंने हॉस्पिटल के लिए जगह ली हुई है और वो उस पर अपनी तख्ती लगाई हुई है लेकिन वो हॉस्पिटल आज तक बना नहीं है। तख्ती इसी तरह आप रोड्स की हालत चले जाएं, आप बाराकऊ चले जाएं, आप तरामड़ी चले जाएं, आप इनका जो बाकी इलाके हैं वहां पे चले जाएं, आप इवन इस्लामाबाद के अंदर जो फेडरल कैपिटल का जो इवन सुप्रीम कोर्ट के और इधर उधर लेफ्ट राइट पे जो बिल्डिंग्स हैं जो एरियाज हैं वहां पे चले जाएं, आप लोगों को बुनियादी सहूलियात जो है वहां पे मुहैया नहीं की, आप बरी इमाम चले जाएं, आप बाराकऊ चले जाएं, आप फराज टाउन चले जाएं, इस सारे इलाके में जो है वो कोई बुनियादी सहूलियात जो है वो लोगों को नहीं मिली। और दूसरी साइड पे आप देखें स्कूल्स के हालात ये हैं, मरियम नवाज साहिबा भी और तारिक फजल चौधरी साहब रोज जाके एक रिबन काट रहे होते थे और मरियम साहिबा खुद जाके वहां पे बच्चों के साथ सेल्फियां लेके जो है फेसबुक पे और ट्विटर पे चढ़ा रही होती थी। किधर गया वो पैसा जो आपको मिशेल ओबामा ने दिया था इसके लिए, आपको जब तालीम का सफीर बनाया था मरियम नवाज को, और वो पैसा आपने जो लगाना था स्कूलों पर वो किधर गया आपका? आपके टीचर जो है वो पिछले 110 दिनों से जो है इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए इत्तेजाज कर रहे हैं, उनको आप जो है फैसिलिटेट नहीं कर सके आज तक, और आप कह रहे हैं कि जी आपने बड़े जो है वो कारनामे सर अंजाम दे दिए पिछले 5 साल में। इलेक्शन बड़ा करीब आ चुका है और मेरे ख्याल से इस इलेक्शन में जो दूध का दूध है वो पानी और पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा बिल्कुल, और लोगों को पता चल जाएगा कि भाई जो कारकर्दगी है उस कारकर्दगी के बेसिस पे आप वोट मिलेगा, वोट को इज्जत से बेहतर है आप वोटर को इज्जत दें तो ये ज्यादा बेहतर है, और वोटर को इज्जत आप तब देंगे जब आप लोगों के जो मसाइल है वो हल करेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है जनाब, प्रोग्राम में आगे चलते हैं। जब सबका सेशन जज हैं राजा खुरम साहब, उनकी अहलिया को हाईकोर्ट की तरफ से सजा हुई है घरेलू मुलाजमा को टॉर्चर करने के सिलसिले में, एक साल की सजा शायद हुई है, एक साल की सजा हुई है और साथ ही उनकी जमानत भी हो गई है। अच्छा। लेकिन ये कि वो उन्होंने अपने तौर पर करवाई है, गारंटी पे करवाई है या जैसा भी करवाया है, लेकिन ये कि ये चीज तो साबित हो गई है कि जिस तरह इमरान खान कहता है कि सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं करना और मुल्क के लिए करना है, जो कुछ भी करना है वो करके दिखाना है हम लोगों ने, तो चीफ जस्टिस साहब ने, या मेरा ख्याल ये तो हाई कोर्ट में चल रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट में तो थी नहीं, तो इनका ऑलरेडी एक दफ़ा इनके माँ बाप ने आकर बच्ची के ने इनको माफ़ कर दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस लिया है, दोबारा इनको बुलवाया जी। अच्छा। इनको दोबारा बुलवाया, वो 11 माह की मेरा ख्याल 11 साल की बच्ची थी, 11 माह की नहीं 11 साल की बच्ची थी। अच्छा। उसके ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया, वो तस्वीर आपके सामने चल रही है, उसका मुँह सूजा हुआ है और काला बेचारी का मुँह हुआ हुआ, मार मार के उन्होंने पता नहीं किया उसके साथ क्या सलूक किया था, आपके सामने एक मिसाल कायम कर दी गई है। ये अदलिया को सारे लोग झूठा कहते हैं, आपके सामने अदलिया ने अपने अंदर ही अदल करके आपको दिखा दिया, अब अवाम ने ये चीज साबित करनी है कि ये गलत किया है या झूठ किया है, लेकिन आपके सामने उनको 50,000 रुपए इन्होंने जुर्माना किया है, चलो उसके इलाज के ऊपर जो भी खर्चा आया हो, लेकिन एक साल की उनको सजा दी गई है, अब उन्होंने जमानतें करवा ली हैं, अब उसके बाद जो है जमानतें कराने के बाद आगे इनका मेरा ख्याल केस तो दोबारा चलता ही रहेगा, आई डोंट नो कब जमानत क्यों हुई है कैसे हुई है, लेकिन जो है आपके सामने एक साबित हो चुका है कि एक एडिशनल सेशन जज को सजा दे दी गई है और उसको उसकी नौकरी से भी फारग कर दिया गया था। उस वक्त उनको मेरा ख्याल है कि 2016 का ये वाकया था जब ये वाकया पेश आया, और जनवरी 2017 में उनको कह दिया था आप नहीं जॉब से ऑफ कर दें, उन्होंने जॉब से भी ऑफ कर दिया था। ये तो मामला हो गया ये इसका तैयबा का। उसके बाद आपको पता है कि आज कराची में क्या हो रहा है, राबिया का
अब वही मुझे नहीं समझ आ रही कि जैनब कत्ल केस में अगर उसको मेरे ख्याल में अभी तक अब क्या इसकी अंदर स्ट्रेटजी है, ये तो हमारे चीफ जस्टिस या जजेस ही जानते हैं कि उसको अभी तक क्यों नहीं सजा दी गई, क्या मसला है उसको इतनी भयानक ना सजा दी जाती तो ये इस तरह के अनाउंसमेंट तो हो चुकी है। आई डोंट नो अब आगे क्या केस चल रहा है, बहरहाल ये कि ये वाकया जो है जब तक आप किसी को कुछ सजा नहीं देंगे, करके नहीं दिखाएंगे तो लोगों को उससे सबक नहीं सीखेंगे। लेकिन ये कि वो मेरे ख्याल 5 या 7 साल की बची है, उसका पोस्टमार्टम किया गया है तो उसमें मेरा ख्याल है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उसमें साबित हो गया कि ज्यादती हुई है। और वहां पर इन्होंने जितने भी मोहल्लेदार थे वो इलाका थे औरंगी टाउन वाले, कराची में तो आपको पता है पहले ही सिस्टम इस तरह चल रहा है कि खून रेजी पहले ही ज्यादा चल रही है, वहां पर उन्होंने एहतजाज किया है और वहां पर आकर पुलिस वाले कहते हैं कि जी लाठीचार्ज उनके ऊपर किया वहां को मुंतशर करने के लिए, और उन्होंने आगे से जाहिर है लड़ाई झगड़ा तो करते हैं, वो तो बेचारों के पास पत्थर ही होता मारने के लिए, वो उन्होंने मारे। लेकिन सुना है, पक्का नहीं है, सुना है कि वहां पर कुछ जख्मी भी हुए हैं या शायद किसी की डेथ भी हो गई है। लेकिन उसके बाद जो है साथ ही उन्होंने कह दिया पुलिस वालों ने कि ये तहरीक इंसाफ वाले जो हैं ये यहां आकर इंतजार फैला रहे हैं। अब मुझे बताएं वे, अब जिनकी बच्ची कत्ल हुई है, जिसकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, क्या हमारे मुल्क के अंदर एहतजाज करने भी उसी को इजाजत नहीं है, उसका हक नहीं है कि अपना एहतजाज कर सके। उन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद जो है गालबन कोर कमांडर साहब आए हैं हमारे फौज से, उन्होंने आकर उनको यकीन दहानी दिलाई है कि जी दो उसके मुजमान जो पकड़े गए हैं, एक रह गया हम उसको भी पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे और उनको जो ही सजा अदालत देगी वो हम उसको सजा दिलवाएंगे। उसके बाद मेरा ख्याल है कि अभी तक अमन अमान होना शुरू हो गया है, अब आगे देखते हैं क्या बनता है। मेरे ख्याल से इसमें देखे ना, सबसे पहले तो आप वाकई को अगर ले आज से कुछ महीने पहले जैनब के केस को, तो जैनब का केस हुआ, एक हाइप क्रिएट हुई, मीडिया में भी लोग बाहर निकले, प्रोटेस्ट हुए और फाइनली जाके उसका जो मुल्जिम था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सजा भी हो गई। लेकिन अभी तक ये वाकयात रुके नहीं है, ये सिर्फ कराची या कसूर नहीं है, यही वाकयात आप देखें फैसलाबाद में कितने हो चुके हैं, राणा सनाउल्लाह साहब के अपने इलाके में कितने हो चुके हैं, यही वाकयात आप देखें कसूर में उसके बाद कितने हो चुके हैं, उकाड़ा में ये वाकयात हो चुके हैं, मियां चन्नू में ये वाकयात हो चुके हैं, आपके इस्लामाबाद के अंदर ये वाकयात हुए हैं पिछले महीने डेढ़ महीना पहले, कराची में अभी कल ये वाकया हुआ है। तो इन वाकयात को अभी तक जो है ना वो रोका नहीं जा सका। इसमें पुलिस का भी अपना रोल है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का भी अपना रोल जरूर उन्हें प्ले करना चाहिए, लेकिन साथ साथ लोगों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए कि आपके मोहल्ले में आपने देखना है कि कौन इस तरह का बंदा है जो आपके बच्चों को इस नजर से देख रहा है या उनके साथ कोई इस तरह की हरकत करने का कोई इरादा रखता है या कोई मशकूक है, तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट करनी चाहिए मुतलका पुलिस स्टेशन में। और आई विश के पुलिस जो है इस पर प्रोएक्टिवली मेजर्स ले और इन इश्यूज को जो है वो फौरी तौर पर टैकल किया जाए, बजाय इसके कि ये वाकयात इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि हर गली मोहल्ले में ये वाकयात होना शुरू हो जाए। क्योंकि पिछले अगर हिस्ट्री इसकी देखी जाए पिछले कुछ महीनों की, तो मेरे ख्याल से कई वाकयात इसमें रिपोर्ट हो चुके हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और कुछ वाकयात ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुए। कम से कम अब ये होना शुरू हो गया है कि वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। सपा सादिक साहब जब हमारे प्रोग्राम में भी हमारे साथ लाइन पर थी तो उन्होंने कहा जी हम इसका मैकेनिज्म अगले एक हफ्ते के अंदर बना के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक हफ्ता भी हुआ नहीं, क्या कर दिया अभी तक नजर नहीं आया आपने क्या कर दिया। केपी में आप देख लें चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं रहे, सिंध के आप हालात देख लें आए रोज वहां पर ये वाकयात होना शुरू हो गए हैं, बलोचिस्तान में पिछले दिनों क्वेटा में ये वाकया एक हुआ है बच्ची के साथ। तो ये वाकयात जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, बजाय इसके कि इनको रोका जाए और इसके लिए कोई काउंटर जो है मेजर्स लिए जाए। तो मेरे ख्याल से इसमें तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ और स्पेशली जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो कराची में ऑलरेडी चलाया जा रहा है मुख्तलिफ सीपीएलसीज के नाम पर, इसी तरह ये काम जो है ये तकरीबन मैं समझता हूं कि हर लेवल पे कम्युनिटी को जो है वो एंगेज करना चाहिए, इस्लामाबाद के अंदर भी, पिंडी के अंदर भी, पूरे पंजाब के पी हर जगह पे एंगेज करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि लोग जो हैं अगर कोई भी इस तरह की जो मशकूक लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो लोग खुद से पुलिस को इन्फॉर्म करें और जो लोकल लेवल पे कम्युनिटीज डेवलप हुई हैं या ग्रुप्स डेवलप हुए हुए हैं या लोकल गवर्नमेंट जो है उसके साथ मिलके इस तरह के मसाइल को जो है वो हल करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इस पे फौरी तौर पे जो है वो प्रोएक्टिवली मेजर लेने चाहिए तमाम जो रीजनल जो प्रोविंशियल पुलिस है ताकि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है इसको फौरी तौर पर काउंटर किया जा सके बजाय इसके कि ये चीजें जो है मजीद बढ़ना शुरू हो जाए। ये आप जिस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वोट की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से वोट को इज्जत दो पे एक सेमिनार भी हुआ है जी। आज सेमिनार में देखे अभी उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में उनका मंशूर ये वाला है, पानी, बिजली, तालीम, सेहत। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठे हैं और बैठे हैं वहां पर, महमूद अचकजई भी बैठे हुए हैं
اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں تو وہ تو ہیں ہی ظاہری بات ہے، وہ مریم بھی وہاں پر ہوں گی اور بہت سارے جو ان کے قریب بھی لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوں گے، اور ان کا یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو، وہی ووٹر کو عزت دینی چاہیے یا ووٹ کو عزت دینی چاہیے؟ ووٹر کو آپ کو عزت دینی چاہیے، وہی بات آ گئی ہے کہ وہ رسی جل گئی ابھی بل نہیں گیا، کہ اتنا انہوں نے ملک کے ساتھ ہمارا اتنا نقصان کر دیا ہے کہ ہمارا جتنا ٹیکسوں کا پیسہ آتا تھا وہ ان کی بینکوں میں گیا، وہ کرپشن کا انہوں نے پیسہ بنا کے باہر بھیج دیا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ہمارے ملک کے اندر تعلیمی نظام انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا ہے، صحت کا نظام ہے نہیں، ہاسپٹل آپ نے اگر جانا ہو تو آپ غریب جو ہے وہ لائن پہ لگا ہوا ہوتا ہے، آگے جاؤ تو ان کے پاس مشینیں نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیو کی ویکسین آ رہی ہے اس کو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ان کے پاس وہ ٹیسٹ کرنے والی مشین ہی نہیں، ایسے لگا دیتے ہیں وہ ایک باہر کا ڈاکٹر ایک دن نجی چینل کے اوپر بتا رہا تھا کہ بھائی اس کو ٹیسٹ کیے بغیر آپ ویکسین کو نہیں لگا سکتے، اگر آپ ٹیسٹ نہیں کرتے تو یہ دو نمبر آ رہی ہے اور اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی کہ اس وقت ہمارے انہوں نے ووٹ کو عزت دے کر ملک کے اندر یہ نظام جو قائم کیا ہے ہمارے ملک کے لیے، انہوں نے عزت کا نظام دیکھے کیسا کیا ہے، اس وقت بدترین پاسپورٹ ہمارا دوسرے نمبر پر ملکوں میں جانا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے، اس کے بعد جو آپ کا آ گیا پاکستان کا ٹی بی میں پہلا، ٹی بی جو بیماری ہے نا اس میں پہلا نمبر ہے پاکستان کا، ہیپاٹائٹس دوسرے نمبر پر ہے، یہ تو انہوں نے ہماری ووٹ کو عزت دی ہے اور ہمیں اوارڈ دیے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کو پاکستانیوں کو اوارڈ دیے گئے ہیں، یہ ووٹ کی عزت میں سارا کچھ دیا جا رہا ہے، پانی ہمارے ملک سے ختم کر دیا ہے، اس وقت 36% لوگوں کو پانی نہیں مل رہا اور باقی لوگ کدھر جائیں گے، اس کے بعد آپ کا بجلی جو ہے ختم ہو گئی ہے، 100 ارب ڈالر انہوں نے قرضہ چڑھا دیا ہے ایک فرد کے اوپر، ایک فرد کے اوپر 1,30,000 روپے قرضہ چل رہا ہے، تو ووٹ کو عزت تو دینی پڑے گی لوگوں کو، اب یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی آپ نے ٹیکس کے ذریعے انہوں نے ہمارے سے جو پیسہ لیا ہوا ہے ٹیکس کے ذریعے کرپشن کر کے انہوں نے باہر بھیج دیا ہے، ووٹ کو آپ نے انہی سے دوبارہ عزت دلوانی ہے یا کہ آپ لوگوں نے کوئی نیا بندہ چوز کرنا ہے جو کہ آپ کی ووٹ کو عزت دے؟ دیکھیں ووٹ کو عزت دینے سے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ووٹر کو عزت دی جائے، جب آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں آپ نے اکنالج کیا کیونکہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا، اس لیے آپ نے ہماری عزت رکھی اور ہمارے اسکول ٹھیک کیے، ہمارے اسپتال ٹھیک کیے، ہمارے تھانے ٹھیک کیے، ہمارے گلی نالی کے مسائل ٹھیک کیے، کچھ جب آپ کا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا اور پھر آپ ایک نیا نیریٹو لے کے آ گئے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو پہلے تو لوگوں کے آپ مسائل حل کرتے نا، اس کے بعد اگر آپ یہ چیز لے کے آتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی غلط پریکٹس ہوئی کہ آج میاں صاحب کی سپیچ کو جو ہے وہ میوٹ کیا گیا، تو میاں صاحب کی سپیچ کو جو ہے کسی بھی ملک جمہوری ملک میں اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں رہ رہے، یہ آپ کی جو فریڈم آف سپیچ ہے، بالکل بالکل، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.